टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच रांची के ऐतिहासिक JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है और ये मैच की शुरुआत अब कुछ ही क्षणों में हो रही है। ऐसे में दोनों के बीच जो शानदार मुकाबला है वो रोमांचक होगा। यहाँ फिलहाल स्टेडियम के बाहर जो क्रिकेट प्रेमी हैं ये लोग हमारे साथ हैं, युवा हैं, इन लोगों से बात करते हैं। चूंकि झारखंड राज्य युवाओं का प्रदेश है, ऐसे में युवा अपने आप में उत्साह में होते हैं। आज दोनों के बीच जो रोमांचक मैच होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच, कितना शानदार होगा? बहुत, दोनों का टसल मैच होगा, बहुत भयंकर मैच देखने का होगा। भारत के पावन धरती पर जी मैं गर्व करता हूँ कि मेरा देश जी जी हमेशा की तरह आज़ाद रहे जी जी और ये मैच बिल्कुल शानदार जीते हैं। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या अपनी सेना को लेकर रणभूमि में कूद चुके हैं, कितना मतलब सफलता प्राप्त होगा न्यूजीलैंड के साथ? 100% सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीद लेके आए हैं और 100% सफलता होगा। हार्दिक पांड्या युवाओं की टीम है जिसमें पृथ्वी शॉ, ईशान किशन को मौका मिलेगा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी से मिले गुरु ज्ञान के बाद हार्दिक पांड्या कितना रणनीति तय कर पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ? उनका ज्ञान हार्दिक पांड्या सदैव माने हैं और आज भी हार्दिक पांड्या मानेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या का हम लोग गया बिहार से आए हैं उन्हीं को देखने के लिए। हमारा गांव का नाम शंकर बिघा हुआ गुरारू प्रखंड में, और हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी को गुरु मानते हैं, हमेशा मानते हैं। आज उनके बताए हुआ नेतृत्व पर आज जीत दिखाएंगे। आज टीम इंडिया के लिए सभी लोग चीयर्स कर रहा है, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग भी बाहर से आए हैं, जज्बा है, जुनून है, क्या कहेंगे टीम इंडिया के लिए? टीम इंडिया के लिए यही बोलेंगे कि आज तक रांची में जो भी मैच हुआ, कभी रांची जब भी मैच हुआ तो आज तक टीम इंडिया का हार नहीं हुआ, और उसी हौसला से हम लोग आए हैं कि आज भी जीत हो और आज खूब बढ़िया मैच होगा और बहुत अच्छा। हम लोग सूर्या को सपोर्ट करने आए हैं और सूर्या को सपोर्ट हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे आज टीम इंडिया के लिए? महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, कितनी सफलता क्या कुछ रहेगी? देखिए, अभी जो वनडे श्रृंखला ख़त्म हुआ है इसमें न्यूजीलैंड को हमने 3-0 से हराया है, तो उसी फॉर्म को देखते हुए जैसे हमारे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आज एक अच्छा स्कोर 180 प्लस हम करेंगे अगर पहले बैटिंग किए तो। और हमारे जैसे जितने अच्छे बॉलर हैं, तो न्यू कमर्स हैं सब, तो सबको देखते हुए लग रहा है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीतेंगे। बिल्कुल, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये शानदार मुकाबला जो है वो रांची के JSCA स्टेडियम में हो रहा है और ऐसे में युवाओं में उत्साह का माहौल है। स्टेडियम के ठीक बाहर ये टीम इंडिया के जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से मिले गुरु ज्ञान के बाद हार्दिक पांड्या किस तरह से रणनीति बनाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच को जीत हासिल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।